चिलवाताल थाना अंतर्गत नकहा रेलवे लाइन के पास घोसीपुरवा क्रॉसिंग पर हत्या की सनसनीखेज घटना का चिलवाताल पुलिस ने मात्र 2 घंटे में किया पर्दाफाश। थाना अध्यक्ष चिलवाताल अरुण पवार और उनकी टीम द्वारा किया गया रेलवे मेमो के द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना थाना चिलवाताल को प्राप्त हुई। पहले पता चला कि अज्ञात शव 22 वर्षीय झीना खान उर्फ राधे पुत्र अतहर अली निवासी चमनगंज नकहा नंबर 1 थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर का है। आगे ज्ञात हुआ कि मृतक झिनक नशे का आदी था, पूरा परिवार उससे क्षुब्ध रहता था। इसके बाद एक सनसनीखेज बात की जानकारी और मिली कि मृतक अपनी सगी बहनों पर भी बुरी दृष्टि रखता था। पुलिस इस बिंदु पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता चला कि झिनक उर्फ राधे की हत्या उसकी सगी बहन व भाई एवं पिता ने मिलकर किया था, क्योंकि अपने 3 बहनों के साथ घिनौना हरकत करता था, जिससे आजिज आकर पिता व बहन एवं भाई ने राड व डंडे से मारकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद रेलवे लाइन पर लाश को रख दिया था ताकि लगे कि रेल से कटकर मर गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाई और घटना का खुलासा करते हुए सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। सभी ने अपना जुल्म कबूल करते हुए कहा कि हमारा सगा भाई होते हुए भी हम 3 बहनों के साथ करता था बलात्कार, इसलिए हमने अपने पिता व भाई के सहयोग से झिनक उर्फ राधे का हत्या राड व डंडे से मारकर कर दिया। हम लोगों को किसी प्रकार का अफसोस नहीं है, क्योंकि हमारा भाई दरिंदा था। घटना का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, चारपाई का पावा एवं मोटरसाइकिल व खून से लदे कपड़े आदि बरामद किए गए। घटना की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, तो इसका मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। जाएगा बस ब्रीफ किया जाएगा। मॉर्निंग में करीब 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास हमें एक खबर मिली थी कि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी चिलवाताल एरिया में पुलिस ये जो रेलवे ट्रैक है वहाँ उस पर पड़ी हुई है, नाका नंबर 1 पे। जब हम लोग मौके पे पहुँचे तब काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई थी, उसी में ये पता चला कि ये मेल पुरुष की बॉडी है, उसी में उसके फादर भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया मेरा लड़का है। हम लोग पूछताछ करने के लिए उनके घर गए थे, पूरा घर हमने घूम के देखा कि क्या है क्या नहीं है। उस दिन वहाँ पे हमें एक चारपाई का पाया मिला था, जिससे पता चला है कि हत्या की गई थी। सर वो जो पाया है वो सिर में मारा गया था, और कुछ खून के छींटे भी मिले थे, कुछ कपड़े भी मिले थे खून के रंगे हुए। पूछताछ करने पर ये पता चला कि जो मृतक है उसकी बहन ने और फादर और उसके भाई ने मिलकर हत्या की है, और इन्वेस्टिगेशन थोड़ा डिटेल करने के बाद हमें थोड़ा पता चला है कि ये जो मृतक है वो अपनी बहनों के साथ, सगी बहनों के साथ गलत काम करने की कोशिश करता था, गलत काम करता था। सारी बहनों का, 3 बहनें हैं उसे, तीनों का यही कहना आया है। इन्वेस्टिगेशन इस पूरे प्रकरण में शुरू है, जो भी बात सामने आएगी वो मीडिया सामने रखी जाएगी। बाद में सर कितने देर में खुलासा हुआ है? खुलासा करीबन हमने 1.5 से 2 घंटे में इस केस का खुलासा किया था।